कैसे आपकी पहली मुलाकात इनसे हुई? पहली मुलाकात हुई ट्रेन में, रे जा रहे थे जम्मू और हम कानपुर से जा रहे थे जॉब पे नोएडा, तो वहीं बैठे थे, इन्होंने नंबर नंबर दिया, तो दो चार पाँच दिन बाद मिलाया, बोले इंतज़ार कर रहे थे, मैंने कहा पहले इंतज़ार कर रहे थे क्या बात है, कुछ बात है, तो 6 महीना कुछ भी नहीं था, ऐसे बात करते रहे, बात करते करते बोले हमें मिलना है, मैंने इनको मजाक उड़ाया कि मिलना है ट्रेन में मिले, ठीक है समझ सकते हैं, दोनों जा रहे थे टिकट किए हुए थे, दोनों ट्रेन में एक साथ मिले जी, कहाँ कैसे बात शुरू हुआ? फिर फोन से बात चालू हो गया। ट्रेन में बात कैसे शुरू हुआ? ट्रेन में हंसी मजाक यही कर रहे थे, बैठे थे बगली में, तो ऐसे उनको शायद पसंद आए हो या कुछ भी, उसी के अनुसार। अच्छा, उसको आप पसंद आ गए? कुछ भी हो, नंबर दिया, वो नंबर ले लिए। अच्छा। आप दे दिए नंबर? आपको भी पसंद आए होंगे जी। फिर बाद में पसंद आया, थोड़ा दोस्ती थोड़ा अच्छा लगा, 6 महीना बात करते रहे सर। नमस्कार दोस्तों, अभी हम जहानाबाद में हैं और जहानाबाद में एक पति पत्नी का मामला है, जिसमें एक महिला जो है कि पहली शादी कर और पहले पति को डिवोर्स देकर दूसरे के साथ संबंध में आ जाती है प्रेम प्रसंग में, अभी उसी के घर पे मौजूद हैं, लड़का शादी करके उसके बाद जो है कि महिला को रखने के लिए तैयार नहीं है, वही रखवाने के लिए नारायणी शक्ति फाउंडेशन की टीम यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे साथ सरिता मैडम भी हैं, बात करवाते हैं। अच्छा, ये पहले आपके घर में आके रही है कि नहीं रही है, सच बताइए। इधर 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 सामने आइए मैडम, इधर सामने आइए ना। मेरा शांति कश्यप नाम है और यहाँ रानीपुर का लड़का था सूर्या कांत, पापा उमा कांत ठाकुर, तो उनके द्वारा हमें संपर्क हुआ और 4 साल तक रिलेशनशिप रहा और पापा ने वॉन। आपका नाम क्या हुआ? मेरा शांति कश्यप। कहाँ से हैं आप? हम दिल्ली नोएडा से हैं सर। दिल्ली नोएडा से जी। वहीं पे घर है या यहाँ? मेरा वहाँ भी घर है, यहाँ भी। मुलाकात हुआ था आपका इस लड़का से? आपका कैसे मुलाकात हुआ था? इससे हुआ था ट्रेन में मुलाकात हुई। क्यों, यहाँ पे क्या दिक्कत? यहाँ पर हम क्योंकि हम लोग केस में फंसे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी है, ठीक है। का ऑर्डर है आपका? कोर्ट से ऑर्डर लेके आए हैं? कोर्ट से ऑर्डर लेके आवे, ले लीजिए इसका भी, ये बहुत हरामी है, जाना की बहू है। अगर अगर सुनिए, अगर हम आपके बातों का सम्मान किए, आपका सम्मान किए हैं, तो आप भी सम्मान कीजिए, यहाँ पे कोई उड़दंगी नहीं हो रहा है, बात ही हो रहा है। तुम्हारा खड़ा है, तुम्हारा यहाँ पर एक सम्मान को नहीं, तो नहीं तो कोर्ट का फैसला बढ़िया है ना। ये बहुत हरामी है। हाँ ठीक है, कैसे कैसे मिले थे आप लोग? तो हम जा रहे थे दिल्ली, अब मैं जो आपका बिहार में भी घर है? नहीं, मेरे कानपुर में घर। कानपुर में घर है, रहते दिल्ली नोएडा में। कैसे आपकी पहली मुलाकात इनसे हुई? पहली मुलाकात हुई ट्रेन में, रे जा रहे थे जम्मू और हम कानपुर से जा रहे थे जॉब पे नोएडा, तो वहीं बैठे थे, इन्होंने नंबर नंबर दिया, तो दो चार पाँच दिन बाद मिलाया, बोले इंतज़ार कर रहे थे, मैंने कहा पहले इंतज़ार कर रहे थे क्या बात है, कुछ बात है, तो 6 महीना कुछ भी नहीं था, ऐसे बात करते रहे, बात करते करते बोले हमें मिलना है, मैंने इनको मजाक उड़ाया कि मिलना है। ट्रेन में मिले, ठीक है समझ सकते हैं, दोनों जा रहे थे टिकट किए हुए थे, दोनों ट्रेन में एक साथ मिले जी। कहाँ कैसे बात शुरू हुआ? फिर फोन से बात चालू हो गया। ट्रेन में बात कैसे शुरू हुआ? ट्रेन में हंसी मजाक यही कर रहे थे, बैठे थे बगली में, तो ऐसे उनको शायद पसंद आए हो या कुछ भी, उसी के अनुसार। अच्छा, उसको आप पसंद आ गए? कुछ भी हो, नंबर दिया, वो नंबर ले लिए। अच्छा। आप दे दिए नंबर? आपको भी पसंद आए होंगे जी। फिर बाद में पसंद आया, थोड़ा दोस्ती थोड़ा अच्छा लगा, 6 महीना बात करते रहे सर, फिर बात करते करते फिर बोला मिलना है। 6 महीना बाद आप लोग मिले? फिर हम कानपुर होटल में इनका इंतज़ार करते रहे, छुट्टी हुआ तो फिर 11 बजे रात तक इंतज़ार करते रहे, फिर आए, फिर कानपुर वाले होटल में हम रुके, रुक के फिर हमने कहा मैं इधर से थोड़ा काम पे जाऊंगी, फिर बाद में लखनऊ में दीदी हैं उनके पास रहे 6 दिन। अच्छा। 6 दिन रहे दोनों लोग, फिर हमने कहा आप अपने घर जाइए और मैं भी अपने घर जाती हूँ। फिर इसके बाद आप अपने दीदी के घर में 6 दिन रहे दोनों? साथ में, साथ में वहीं खाना खाए दोनों लोग, वहीं मॉल वॉल घूमने जाते थे, और बस फिर हमने कहा अब तुम घर जाओ, छुट्टी हुई है, अब हम भी अपने घर जाएं। फिर वहाँ से सब खत्म हो गया, फिर बातचीत चालू रही, फिर करवा चौथ को आए, 14 तारीख को था, 16 तारीख को आए, फिर 1 महीना मेरे साथ रहे नोएडा में। नोएडा में आपके साथ? जी, साथ रहे। घर पे रहे कि होटल में रहे? नहीं, वो नोएडा में रहे, रूम लेके रहती हूँ। अच्छा। दोनों साथ में रूम लेके रहे या अलग अलग? नहीं, एक ही साथ रहे, एक ही साथ, एक महीना साथ में रहे, एक ही थाली में खाना, एक ही बिस्तर, मतलब दोनों रिलेशन में आ गए। दोनों लोग रिलेशन में आ गए।
फिर वहीं देख, मैंने कहा देख बाबू ऐसी बात तुम्हें पता है ना, मैं दुखी हूँ और मेरा कोई नहीं है। तो मैंने कहा मुझे सिंदूर आप डाल दो और मंगलसूत्र पहना दो और फिर चाहे जो कुछ करना। मेरे डाला उन्होंने, खैर मंगलसूत्र पहनाया और सिंदूर दिया। तब से मैं इनको छुट्टी पे छुट्टी देते आ रही और जहानाबाद भी हमको रूम बंद कमरे में ही मंगलसूत्र डाल दिए, सिंदूर डाल दिए। हाँ, और शनि मंदिर गए, वहाँ पे एक शनि मंदिर है। हाँ। तो दोनों लोग घूमने भी गए। हाँ। थे तो सर कोई बात नहीं, फिर हमें जहानाबाद लाने लगे। हाँ। रूम में ले के रखने लगे। फिर धीरे धीरे जनवरी आया, वही बंद कमरे में जो मंगलसूत्र उन्होंने पहनाया, मांग में सिंदूर डाला, उसको आप शादी मान बैठे जी। मान बैठे। इसका कोई आधार सबूत आप दोनों के अलावा? हाँ, कोई ना था, कोई नहीं था। नहीं, जो बात है नहीं था। मंदिर गए दोनों लोग, अच्छा दिन गुजरा था। हम दोनों पिलाड़ भी लेने वाले थे। कब मिले थे फर्स्ट टाइम, ईयर बताइए? सन 2022 में। हाँ ओके, मिले थे। मिले तो थे 21 में, लेकिन 22 में हम लोग कानपुर के होटल में मिले थे। हाँ, हाँ, 22 में। हाँ, साथ कब रहना शुरू किए? और साथ दीदी के यहाँ जब गए तो वहाँ रिलेशनशिप बना। हाँ, बना दोनों को 2022 में। 22 में ही शादी कब किए? 2022 में। हाँ, हाँ, कौन सा महीना? वो अक्टूबर का महीना था। अक्टूबर का महीना। हाँ, और 17 तारीख को, 16 तारीख को। हाँ, हम दोनों ने शादी करी और मंदिर भी गए और फिर जहानाबाद में रूम लेके भी रखने लगे। अच्छा, यहाँ पे? हाँ, आप लोग वहाँ से यहाँ आ गए रहने के लिए? हाँ। एक मिनट बात सुन लो मैडम, एक मिनट। किसी औरत के साथ संबंध बना मैडम, एक मिनट रुके, उनसे भी बात करते हैं। जाओगे ना वो महिला पीछा करते हुए तुम्हारे पास? हाँ, उनसे हम बात करते हैं। ले लेना फोटो, भी बहुत दुष्ट है। हाँ ठीक है, उनको अब नहीं बख्शेंगे ना, बख्शना नहीं सर। फिर तो बोले कि जहानाबाद में कब से रहने लगे? 2-3 बार रहे, अप्रैल में रहे, अगस्त में रहे और जनवरी में रहे। कितना कितना दिन? एक एक महीना पूरा। एक एक महीना। और जब जाते थे यहाँ से तब बाद में टिफिन में कहीं मतलब लिट्टी सब्जी तो हम पनीर व सब्जी बना लेते थे दोनों लोग। एक ट्रेन में लेट के ही जाते थे ऊपर खा के दोनों लोग, और ये मुझे दिल्ली छोड़ देते थे और हम जम। आपके परिवार वाले ये सब बातें जानते हैं? हाँ, मम्मी जानती है और मामा मामी जानते हैं और चाचा के लड़का बहू जानते हैं। और इधर ससुराल की तरफ से कोई जानते थे रिलेशन में? हाँ, कि आप और इनका बेटा आप लोग दोनों रिलेशन? हाँ, में लक्ष्मीकांत। कौन जानते थे? लक्ष्मीकांत को बताया था मैंने, लक्ष्मीकांत देवर को। अच्छा, ये देवर को आपकी सारी कहानी मालूम? हाँ, है इसको बता दिया था बाबू, भैया बात नहीं कर रहा है। अच्छा। पता नहीं क्या हो गया है। तो बोले कि ऊपर गया होगा भाभी इसलिए बात नहीं कर रहा होगा। उस समय भाभी ऊपर गया होगा इसलिए बात नहीं कर रहा है। अभी ये क्या बोल रहा है हम नहीं जानते हैं कि ये कौन है। ये मुझसे बहुत बात तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि बात लेकिन फिर भी हम एक विद्यार्थी का उम्र देखकर हम नहीं चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इसका चेहरा आए और किसी भी तरह से ये अपने भाई के की गई गलती में ये फंसे, इसलिए हम इसको साइड कर दिए हैं। लेकिन देखिए एक महिला को फंसाने में कहीं ना कहीं भाई बहन सभी का सहयोग होता है, और जब दहेज की बात आती है, जब कुछ माल नहीं मिलता है तो सोचता है कि बेटा यूज कर ही लिया, आराम से बेटा थ्रो कर दो और फिर दहेज दान दहेज लेके फिर दूसरी शादी करके बहू को घर में ला। उसके बाद आप लोग रूम में शादी करने के बाद फिर बाहर भी कहीं कोर्ट मैरिज वगैरह कुछ नहीं? मुझे टाइम दिया। हाँ। टाइम जैसे दिया जनवरी में बोले बाबू मेरी शादी फिक्स हो रहा, मुझे उन्होंने बताया। मैंने कहा अच्छा पैसे के लालच में बिच गए तुम? हाँ। तो बोले घर वालों ने 8 लाख रुपया ले लिया है और घर बनवा लिया है। तो मैंने कहा तू अपना 8 लाख रुपया लौटा देना। हाँ। और नहीं तो तू बता तो मैं कहीं से कमा के लाऊंगी। हाँ। मैं दूंगी भाई। तो बोला नहीं मना कैसे करें। मैंने बोला कि मैं यही टाइम है मैं पापा को बता दूं। ये घर पे तो बताएगा नहीं, मैं बता देती हूँ। मैंने महिला थाने से फ़ोन करवाया और पापा को सारा चीज़ बता दिया और भाई को सारा चीज़ बता दिया कि देखो हम 4 साल से रिलेशनशिप में हैं तो अपने शादी मत करना। फिर महिला थाना में क्या आपके साथ हुआ? फिर महिला थाने में बुलाया, संगीता मैडम थी दरोगा, उन्होंने बुलाया और पापा ने स्वीकार किया और उमाकांत भाई ने स्वीकार किया और लिखा पढ़ी करके हमको घर ले आए। अच्छा। हाँ, और हम आराम से रहने लगे यहाँ आके। आप रहने लगे? हाँ, मम्मी के साथ में लेटते थे। हाँ। तापते थे। कौन सा रूम में रहते थे आप? कितना दिन यहाँ पे आप रहे थे? यहाँ कितना दिन ये रही है? ये सबसे बड़ी बात है कि महिला यहाँ पहले रही है। और देखिए हाँ। महिला अपना बेडरूम भी देखा। लाइट जलाइए तो थोड़ा। कि इसी रूम में ये अपने सास के साथ सोया करती थी। इधर हम सोए और हमको रजाई में ढक दिया जाता था कोई गांव मतलब मोहल्ले वाली। अच्छा ठीक ठीक ठीक, बाहर आइए। ठीक है ठीक है, बाहर बाहर आइए सर। इधर बाहर आइए। बाहर निकली तो सर। बात करो, महिला इस बेडरूम में आई है। इधर आइए तो
देखिए सबसे बड़ी बात कि यह महिला यहाँ आई है और यहाँ रह के गई है। अगर इन लोगों को नहीं स्वीकार था, नहीं पसंद था, क्या चीज़? हाँ क्या क्या चीज़ है? इस रूम में आप लोग सोते थे कि नहीं सोते थे? ये रहती थी कि नहीं रहती थी? एक आध दिन का बात है, छह महीना का बात है। अच्छा ठीक है, इधर बाहर छह महीना का बात। नाखूनी भी लगा गए थे, हम रहते तो नाखूनी लगा गए थे, यस यस बना गए थे। अच्छा 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 ठीक ठीक है, इतना काफी है, इतना काफी है। हम समझ सकते हैं कि कोई यहाँ रहा है कि नहीं। इधर कीजिए थोड़ा। उस रूम में अगर इस मकान में नहीं आई होती तो उस रूम क्या दिक्कत है? बात कर रहे हैं। अच्छा कितना दिन यहाँ पे रहे थे? मैं रही थी वही वैसे 15-20 दिन तक रहे थे। हाँ फिर बाद में हम आए थे। हाँ। तो हमें हम सासू जी है ना? हाँ मई में आए थे। हाँ। तो मैं भगा दिया गया था। कौन भगा दिया? ये सब लोग, सब लोग। हाँ सब लोग गाली गलौज किया और हमें बाहर निकाल दिया। फिर रखे थे क्यों? मेरे साथ मजाक किया, बस मजाक किया। हाँ मजाक किया मेरी जिंदगी। आपके पति भी आपके साथ रहते थे? हाँ हाँ। एक मिनट अंट, आप उठ जाइए थोड़ा सा। उठिए ना, उठिए ना, उठिए, उठिए ना, उठिए ना। ये बाथरूम है, सब जानते हैं ऊपर तक। हाँ ठीक है, समझ गए। खड़ा होइए ना, थोड़ा बात करना है। अच्छा बैठ के ही बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बैठने का इच्छा है? अच्छा। इनको रखे थे आप घर में? ना हम ना रखे हैं। नहीं रखे हैं घर पे? नहीं, कागज बना हुआ है। महिला थाना से लेके नहीं आए हैं? नहीं ना, ना नहीं, ना हम नहीं लाए हैं। अच्छा नहीं लाए हैं? अभी थोड़ा देर पहले तो आप बोल रहे थे कि एक दो दिन के लिए आई थी। ना लाए हैं, एकदम नहीं लाए हैं। आपका बेटा उधर बोल दिया कि मम्मी नहीं बताना। हम कोई चिंता है? आपको नहीं चिंता है? झूठ बोलेगा? सबका मैंने भेज दिया। इतना इतना साफ जो झूठ बोलिएगा, मतलब हम यहाँ का आप झूठ सुनने आए हैं? कौन है? हेलो, आपका आपका झूठ सुनने आए हैं? हाँ झूठ बोला है। हाँ झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। हाँ आप सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं सर, सही बोल रहे हैं सर, झूठ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा कोई लड़की क्यों किसी के पीछे पड़ेगी? कायन कौजी के पीछे पड़ल है। अच्छा इसका मुकदमा हो गया है, एक महिला को दिल्ली से। और यहाँ पे इतना लड़की, इतना दुनिया नहीं है, इतना लड़का नहीं है। आपकी के बेटी के पीछे पड़ा हुआ है? शारीरिक शोषण किया गया। कोई नूर है आपका बेटा की? महिला थाना के और इसको रखे थे क्यों? अगर नहीं स्वीकार कर रहे थे, नहीं सही था, अगर ये सारा चीज झूठ बोल रही थी तो रखे थे क्यों? इसका मामला कोर्ट में चल रहा है। अगर कोर्ट में खिलौना है, घर चाहिए ना। खिलौना को जी सर, नचनिया है। नचनिया है? हाँ। महिला हो कि एक महिला का सम्मान कर रहे हैं ना। सम्मान को जी दिखाए वीडियो। क्या दिखाइए? दिखाइए ना, दिखाइए वीडियो। दिखाइए दिखाइए। हाँ उसके बाद यहाँ से आप चले गए थे? फिर हम चले गए, फिर जहानाबाद में रह रहे हैं। थाना में इन्फॉर्म नहीं किए कि ये बोले कि वो चुनाव है, अभी ना लिखवाइए, बाद में लिखवाइए। चुनाव हो गया, फिर उसके बाद बोले वोटिंग है, खुल जाने दो तब करिए। फिर उसके बाद नहीं हो रहा था तो महिला थाने से मैंने किया। अब कोर्ट में तारीख वारीख चल रहा है। तारीख चल रहा है। 4 महीना से हम भटक रहे हैं, कुल मिला के एक समोसा खा के रहते हैं, एक चाउमीन। शरीर पूरा बेकार हो गया है मेरा। जब आप लोग शादी करने की बात हुआ, दोनों पसंद करने लगे, तो घर से क्यों नहीं शादी किए अपने गार्जियन को? नहीं, मुझे टाइम दिया था, फ़ोन किया, बोले साल भर रुक जाओ, कोई चाचा वाचा की लड़की है, बोली उसके हो जाने दो, फिर उसके बाद हम कोर्ट मैरिज करेंगे। फिर कोर्ट मैरिज? हाँ। धोखा। कहाँ है लड़का? कहाँ है लड़का? पता नहीं। आपके पास फोटो वीडियो? हाँ। देखिए जो भी अपडेट है मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अभी जो है कि थोड़ा बात करते हैं। इसका यह घर है, ये पहले यहाँ रह के गई है, और ऐसे नहीं कि हवा हवा में बात कर रही है। और कोई भी लड़की यार क्यों अपना इज्जत खुद उछालेगी, किसी के घर ऐसे जाके करेगी?